दोस्तों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और लगातार आप हमारे जो वीडियोस देख रहे हैं और हमें व्हाट्सअप कर रहे हैं, इसके लिए तो सबसे पहले आपको धन्यवाद। और हम कोशिश करते हैं अपने वीडियोस में कि अलग अलग तरह का टॉपिक को पकड़ा जाए ताकि आपका काम या आपके व्यापार में सहूलियत हो और हमें भी अपना बिजनेस करने का मौका मिले। इससे हमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है रिसर्च का और अलग अलग बिजनेस के बारे में जानने के लिए हमें भी मौका मिलता है, तभी तो ये सारी चीज़ें हम आपको भी बता पाते हैं या समझा पाते हैं। तो आइए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास वो है कि हाउ डू आई सेल माई कोकोनट कोर फाइबर। देखिए, इनको अपना कोकोनट कोर फाइबर सेल करना है तो इनको जानना चाहते हैं कि इनका टारगेट क्लाइंट कौन हो सकता है और वो कहाँ पर मिल सकता है। मेन सेल्स का मतलब यही होता है कि आपका टारगेट क्लाइंट कौन है और वो आपको क्या कहाँ मिलेगा और आप उसको कैसे कम्युनिकेट कर पाइएगा। तो कोर फाइबर क्या होता है, कोकोनट कोर फाइबर, जो भी देखिएगा हम डाब पीते हैं, नारियल का पानी पीते हैं या जो नारियल खाते हैं, तो उसको देखिए हम उसका जो आउटर बॉडी है वो फेंक देते हैं। तो उसको इकट्ठा करने के बाद, उसको सुखाने के बाद उसको कटिंग किया जाता है और कटिंग करके उसका जो फाइबर निकलता है उसको कोर फाइबर बोलते हैं। और इसका काफ़ी अच्छा जो व्यापार जो होता है वो खासकर आपका केरला में जाइए या वेस्ट बंगाल में जाइए, जो भी, या उड़ीसा में जाइए, जो भी समुद्री एरिया हैं, ऐसे एरिया में ऐसा रॉ मटेरियल बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है क्योंकि यहाँ इनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो ये तो एक बात है अवेलेबिलिटी का। इनका जो सवाल है कि इनको वो कहाँ पर बेचें। देखिए, कोर फाइबर अगर आपके पास है तो आपके पास सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि किस किस काम में ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। अगर आप कोर फाइबर, कोकोनट कोर फाइबर आपके पास अवेलेबल है तो आप जैसे देखते हैं रजाई का गद्दा बनाने में, बिस्तर पे जो गद्दा लगता है उसका जो आउटर दिया जाता है इसी से दिया जाता है। आपके आसपास देखिएगा झाड़ू बनाने का जो रस्सी होता है उसमें, और जो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखिएगा ऐसा रस्सी यूज़ होता है जो कोकोनट कोर फाइबर का ही बना होता है। तो अगर आपके आसपास ऐसी कंपनी है जो कोकोनट का कोर फाइबर का रस्सी बनाती है तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसको सप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास जो गद्दे बनाने वाले, रजाई बनाने वाले हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको ये चीज़ सप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप उससे ज़्यादा जाना चाहें तो अगर रॉ मटेरियल आपके पास ज़्यादा अवेलेबल है तो आप ख़ुद भी ये रस्सी बनाने का मशीन खरीद सकते हैं और ख़रीद के अपने यहाँ पर इसका काम चालू कर सकते हैं। जब भी आप रस्सी बनाने का मशीन में जाइएगा तो इसके लिए आपको लाइसेंस, बेचने का जगह, ये सारा चीज़ भी जानना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ ये कोर फाइबर का कम्युनिकेशन का बात है कि कैसे सेल करें, तो इसके ऊपर ही बात करें बाद में, वो भी हम बता देंगे आपको कि रस्सी का इंडस्ट्री कैसा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रेड इंडिया में जा सकते हैं, आप इंडिया मार्ट में जा सकते हैं, आप डाटा एक्सट्रैक्शन करा सकते हैं, यानी डाटा मैनेजमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम भी डाटा मैनेजमेंट का काम करते हैं, जैसे आपने हमें बताया कि सर हमें हमारा वेस्ट बंगाल या केरला में जगह है और हमारे पास कोर फाइबर है और हम यहाँ पर कंपनियों को सप्लाई देना चाहते हैं, तो हमारे पास आसपास जो कंपनियां हैं पूरे केरला में, आप उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये डाटा एक्सट्रैक्ट करके हमें दे दीजिए ताकि हम इनको व्हाट्सअप कर पाएँ या ईमेल कर पाएँ या मैसेज कर पाएँ या फ़ोन पे बात करके इनको सेल कर पाएँ। तो ये तरीका आप भी अपना सकते हैं अपने शहर में। आप जो भी ऐसी रस्सी बनाने वाली कंपनियाँ या प्रोफेशनल गद्दा रजाई बनाने वाली कंपनियाँ हैं, आप इनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस निकलवा के आप चाहे तो इनको व्हाट्सअप के थ्रू या फ़ोन करके या मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू आप इनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना रॉ मटेरियल का फ़ोटो भेज सकते हैं, अपना रॉ मटेरियल का प्राइस भेज सकते हैं। अगर इनको ये प्राइस ठीक लगता है तो ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि ये कंपनी है, इनको तो रॉ मटेरियल का ज़रूरत है ही। जहाँ भी इनको अच्छा मिलेगा और थोड़ा कम मिलेगा तो ये ज़रूर आपको लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का जो क्वेश्चन है आपको एकदम सटीक आंसर मिल गया होगा कि आपको अगर कोकोनट कोर फाइबर आपके पास है तो कैसे उसको सेल आउट करना है। और अगर आपको इसमें हमारी मदद की ज़रूरत है सेल्स में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एग्रीमेंट के साथ एक लीड मैनेजमेंट का काम भी करते हैं कि हाँ, मान लीजिए आपने हमसे 5000 पर मंथ या 3000 पर मंथ या 20000 पर ईयर ऐसा कांटेक्ट किया, इसमें हम आपको बताएंगे कि हम आपको कितना क्लाइंट अपने तरफ से आपका प्रमोशन करके आपको दे पाएंगे और आप उनसे बात करके अपना सेल्स जो है कर पाइएगा। ये भी एक नया प्रोसेस है जो हम चालू कर रहे हैं ताकि जो भी कंपनियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में मदद किया जा सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए,
और किसी ज़रूरतमंद को अभी कोरोना के समय में जो बिजनेस की तलाश में है उसको अगर ये चैनल का लिंक शेयर कीजिए और ऐसा वीडियोस जो आ रहा है तो शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सेल्स का ही होता है जिसकी वजह से बिजनेस जो है नहीं चलता है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियोस मेरा आपको अच्छा लगेगा और कम से कम अगर आप देखते हैं पूरा तो एक लाइक तो बनता ही है ये वीडियो बनाने के लिए, वो भी आप हमें दीजिए ज़रूर।